हुणे हुणे आई एक नवी जानकारी, नवी अपडेट, खास खबर निकल के सामने आ रही। नवे बजट का लिया फैसला, आखिरी गरंटी 26 जनवरी, 1000 पेंशन, 2500 पेंशन। पूरी जानकारी तुहाडे नाल सांझी कीती जाएगी। जेकर तुसीं भी 1000 पेंशन की उड़ीक कर रहे हो जां 2500 पेंशन की उड़ीक कर रहे हो तो वीडियो नूं पूरा वेख्या जाए तां जो तुहानूं पूरी जानकारी मिले ते तुसीं इस स्कीम का पूरा फायदा भी लै सको। पूरी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करदे आं। उस तो पहले तुसीं अपने पैन कार्ड नूं ते आधार कार्ड नूं जरूर लिंक कर लो, क्योंकि सरकार जो ये स्कीम शुरू कर जा रही है 1000 पेंशन ते 2500 पेंशन स्कीम है जी। बुढ़ापा, विधवा, बेसहारा, अंगहीनां जो 2500 बुढ़ापा पेंशन स्कीम ते औरतों वास्ते 1000 पेंशन स्कीम ये शुरू कर जा रही है। जेकर विभाग कोल तुहाडा पूरा डाटा ना होगा तो तुहानूं ये पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता। जेकर मिलेगा तो बहुत, जेकर मिलेगा तो तुहाडी 2-3 महीने दी पेंशन जो सरकार के खजाने में पईआं ही रह जाणगीआं, क्योंकि तुसीं अपने आधार कार्ड नूं हाले तक अपडेट नहीं कीता होणा। क्योंकि सब तो पहला तुहानूं अपना आधार कार्ड अपडेट करके रखना चाहिए। इस विच नाम, पता, बायोमेट्रिक डिटेल नूं अपडेट करना लाजमी कर दिता गया। इस दे नाल होर भी बहुत सारे दस्तावेज ने जिहड़े तुहानूं लिंक करके रखने चाहिए ने, तां जो तुहाडी समय सिर टाइम टाइम ते तुहाडी पेंशन तुहाडे बैंक खाते में आती रहे। 1 से 5 तरीक के विच तुहाडी पेंशन तुहाडे खातों में आ जाए तो तुसीं उसका लाभ लै सको। उस दे वास्ते तुहानूं पहले अपने आधार कार्ड नूं अपने वोटर कार्ड नाल लिंक करना बहुत जरूरी है। नंबर 2 ते तुसीं अपने पैन कार्ड नूं भी ते आधार कार्ड नूं भी लिंक करके जरूरी रख लो, क्योंकि जदों तक तुहाडा सारा डाटा विभाग दे कोल ना होवेगा, पंजाब सरकार दे इकोसिस्टम दे विच अपडेट ना होवेगा, तुहानूं पेंशन लाभ नहीं मिल सकता। नंबर 3 ते हैगा जी अपने, तीसरे नंबर ते तुसी अपना जो पैन कार्ड हैगा अपने बैंक खाते नाल लिंक करके जरूर रखो, क्योंकि ये आमदन कर सर्टिफिकेट हुंदा है जो कि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट हुंदा जी। ये चलाया जांदा विभाग वल्लों, जो कि इस दे नाल तुहाडा ये सबूत पता चलता है कि तुसी साल दे किन्ने पैसे कमांदे हो। जेकर तुहाडा ये दस्तावेज ना लग्या होवेगा, तो जेकर ये दस्तावेज तुहाडे बैंक खाते दे नाल नहीं जुड़ता, तुसी अपनी पेंशन नूं लेट प्राप्त कर सकते हो, तुसी पेंशन तों वांझे भी रह सकते हो। कई वारी तुहाडी पेंशन 2-2 महीने तक नहीं आउंदी। इस दे नाल जो 4th नंबर ते प्रूफ हैगा जी तुहाडा, अपना आधार कार्ड ते तुहाडा पैन कार्ड, ये भी लिंक होना सब तो ज़्यादा जरूरी है। तुसी कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ लवो पर तुहाडा पैन कार्ड ते आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है। भावें तुहानूं तुसी कोई भी पेंशन लवो, विकलांग पेंशन लवो, बुढ़ापा पेंशन लवो, विधवा पेंशन लवो, बेसहारा पेंशन लवो, तुहानूं कोई भी पेंशन मिलती होवे, भावें हुण तुहानूं जिहड़ी 1500 रुपये पेंशन मिलती भी है, अगे जा के तुहाडी इही पेंशन 2500 होवेगी। इस वास्ते तुहानूं कोई फॉर्म नहीं भरना पैणा, तुहानूं पहले जानकारी दित्ती जांदी है। तुसी किसे दे फ्रॉड दे चक्करां च ना आके कोई फॉर्म ना भर दिया जी, तुहानूं पूरी जानकारी दसदे आं। इस वास्ते तुसी किसी के चक्कर च आके कोई फार्म ना भरया जाए, इस वास्ते ना कोई फार्म भरना पैना, तुहानूं पूरी जानकारी तुहाडे नाल सांझी कीती जा रही है। क्योंकि सरकार तुहाडे खाते में 1500-1500 पेंशन भेज रही भी है, सरकार कोल तुहाडा सारा डाटा हैगा है, क्योंकि उन्होंने हुण 1000 होर पेंशन तुहाडी वधाणी है, तो सरकार कोल सारी अपडेट होना बहुत जरूरी है। सरकार के सिस्टम में, सरकार के इकोसिस्टम के तुहाडा नाम, पता, बायोमेट्रिक डिटेल, जिन्ना तुसी कमांदे हो, जो तुहाडा खर्चा, सारा कोई अपडेट होना बहुत जरूरी है, जो कि तुसी अपने सारे दस्तावेज नूं लिंक करोगे उस दे थ्रू ही तुहाडा सारा अपडेट उन्हां कोल होवेगा। तो जेकर तुसी अपना सारा डाटा इकट्ठा कर लेंगे जे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड नूं लिंक कर लेंगे जे, बैंक खाते नूं पैन कार्ड नाल जोड़ लेंगे जे, तो सरकार दे इकोसिस्टम दे विच जेकर तुहाडा पूरा डाटा अपडेट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, तो तुहानूं फिर वार वार कोई भी सर्टिफिकेट जां कोई दस्तावेज जां कुछ होर भी तुहानूं नाल लैके जाण दी लोड़ नहीं पएगी। सूत्रों मुताबक मिली जानकारी के बराबर दस्या जाए 26 जनवरी बहुत खास होने वाली है। 1500 पेंशन तो बद के 2500 भी हो सकती है, या फिर 1000 पेंशन भी शुरू हो सकती है, इन दोनों विचों कोई एक शुरू हो सकती है। इस बारे पूरी जानकारी यह कि अगला बजट जो पास होगा उसके मुताबिक ही 1000 पेंशन शुरू होगी या फिर 2500 पेंशन शुरू होगी पता लगेगा।